एक दिन मैं माइनक्राफ्ट को निष्ठा प्रतिष्ठा अनुशासन सबको इकट्ठा करके खेल रहा था और अपने कासल का शो ऑफ कर रहा था, और वहीं पर मेरे को फूड की कमी हुई तो मैं थोड़ा सा फूड भी इकट्ठा कर रहा था, बहुत मजे मार रहा था। One hour later. पर जैसे ही माइनक्राफ्ट को खेलते खेलते मुझे 1.5 से 2 घंटा पूरा हुआ, तब मेरे हाथों में दर्द होने लग गया। और यह हम माइनक्राफ्ट प्लेयर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें मोबाइल के अंदर उंगलियां घसनी पड़ती हैं और उससे हमारे हाथ में इस तरीके से दर्द भी हो जाता है। आउच आउच। अब देखो मेरे पास तो 1 करोड़ का पीसी है। अच्छा नहीं नहीं दिल पे मत लो, मुझे नजर मत लगाना, मेरे पास कोई पीसी नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह मोबाइल में ही उंगलियां घसता हूँ, पर मुझे भी एक ऐसे कीबोर्ड में टाइप करके माइनक्राफ्ट खेलना है। एडियस, बहुत टाइम से ऐसी आवाज में बात बोल बोल के थक गया मैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही है कि हमको कीबोर्ड एंड माउस को अटैच करना है फोन के अंदर एंड उसके साथ में खेलना है माइनक्राफ्ट, एंड हम एंड में पीवीपी भी करेंगे, एंड उसके बाद में फिर हम करेंगे क्या पता नहीं क्या करेंगे, बट हाँ कीबोर्ड और माउस को अटैच करने का पहले तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, एंड उसके बाद में फिर हम मेरे दोस्त के साथ में हम एक पीवीपी का मैच करेंगे, देखते क्या सही में कीबोर्ड और माउस अटैच करने के बाद हम प्रो हो जाते या फिर सीधे अफवाह। एंड सबसे बड़ी चीज़ जिसको लेके वीडियो मैंने बनाई है कि हमको कंफर्टेबल लगता है कीबोर्ड और माउस से खेलने से, बिकॉज मैंने दिखाया जितने भी बड़े बड़े गेमर्स हैं ना, टेक्नो गेमर्स, गेमर फ्रीड भाई, 6-6, 9-9 घंटे तक माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाते रहते हैं, मतलब खेलते रहते हैं। मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के बाद आखिरकार ये कुर्सी ज्यादा ऊंची हो गई यार। तो यार उतने टाइम तक तो कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा, तो हाँ देखते कितना कंफर्ट हमको महसूस होता है, एंड बहुत ज्यादा कंफर्ट के ऊपर हमने ज्ञान दे दिया, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ये है मेरा कीबोर्ड, एंड अब हमको दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए हमारे मसाला बनाने के लिए वो है माउस, एंड मैंने पूरे घर में माउस ढूंढा और मेरे को माउस नहीं मिला, तो हाँ अब मेरे को अमेजोन से माउस ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ है जो मेरे को चाहिए होगी वो है OTG, जिससे हम हमारे फ़ोन के अंदर जो फ़ोन का छोटा सा छेद होता है ना उसको उसके अंदर वो प्लग इन होगा, एंड उसके अंदर और 2 वायर घुसाने पड़ेंगे हमको, एक तो कीबोर्ड का एंड एक माउस का। तो उसके लिए एक और जुगाड़ होता है, उसका नाम है USB हब, एंड अब USB हब भी मेरे को अमेजोन से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमको 2 चीज़ें अमेजोन से ऑर्डर करनी है, एक USB हब एंड सेकेंड माउस, तो वो करते हैं। तो आप लोगों को मालूम ही है हमारे पास तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत पैसा है ना, तो हम सबसे ज़्यादा महंगा वाला नहीं सस्ता वाला ऑर्डर करेंगे। तो हाँ ये वाला सही है और ये वाला भी सही है, तो हाँ अब वेट करते इसके आने का। Tomorrow. ओके तो फाइनली हमारे दोनों प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, इसकी वजह से वीडियो इतनी ज़्यादा लेट हो गई, वरना मैं तो भाई कब की बना देता। तो हाँ अब आ गए, तो इसका थोड़ा सा कनेक्शन करते हैं, हाथ बिठाते हैं भाई, क्योंकि कीबोर्ड और माउस से ज़िंदगी में पहली बार खेलने वाला हूँ मैं, एंड मेरे को बस इतना पता है कि WASD से आगे पीछे लेफ्ट राइट जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पता। तो देखते हैं नेट है अपने पास, सीख जाएंगे। ओके तो देख सकते हो ही है हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पर चल रही है अभी थोड़ी बहुत। ये देखो पहले तो ये अपना जो छोटा OTG केबल है ना ये जाएगा फ़ोन के अंदर, एंड अब इसके अंदर जाएगा ये USB हब का वायर, एंड अब ये USB के अंदर है देखो इतने सारे पोर्ट्स है, तो एक इसके अंदर चले जाएगा माउस का एंड एक चला जाएगा कीबोर्ड का। तो इसको डालते हैं फटाफट से, एंड एक हाथ से कैमरा हैंडल करना मुश्किल, पीछे स्कूटर वाला आवाज़ कर रहा है गधेड़ा। तो हाँ फाइनली हो गया हमारा, अब 1 सेकंड इसमें लाइट नहीं लग रही। ओके तो वो थोड़े से कनेक्शन लूज होने की वजह से लाइटें नहीं लग रही थी, बट अब लाइट लग चुकी है, तो अब हम खेलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके अब मेरे को है ना सबसे पहले कंट्रोल सीखने पड़ेंगे, WASD से आगे जाते हैं, क्यू से हम आइटम फेंक सकते हैं, F5 से हम ये चेंज कर सकते हैं अपना FOV, जैसे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन बैक, ऐसा तो बहुत सारी अनोखी चीज़ है, तो आप वो चेंज कर सकते हैं हम जल्दी जल्दी से, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। एंड और क्या होता है इसके अंदर, तो हाँ अगर इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं, एक तो ये गाड़ी वाले को शांति नहीं है। ओके अगर इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं 300 likes, 300 likes, तो अगले वीडियो में हम कीबोर्ड और माउस के साथ में पोजावा लॉन्चर ट्राई करेंगे, मतलब कीबोर्ड और माउस के साथ में पोजावा, मतलब वो तो पूरा जावा वर्जन है रियल एक तरह से देखा जाए तो वो खेलेंगे, तो एकदम PC वाले माइनक्राफ्ट की फील आएगी। तो हाँ फटाफट से लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना है ना। तो अब प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में तो अपना PVP मैच भी हमारे दोस्त के साथ में, मैंने उसको चैलेंज कर रखा है, उसको पता नहीं कि मैं खेल रहा हूँ कीबोर्ड और माउस से, एंड ऑब्वियसली मैं इतना प्रो नहीं हूँ तो मैं मर भी सकता हूँ, एंड साथ से अगर कीबोर्ड और माउस से एक प्रोनेस आती हो तो फिर मैं जीत भी सकता हूँ। और फिर दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद PVP मैच का टाइम था।
हाँ तो गाइस अभी देखो ऐसा सा कुछ सेटअप है। देखो सामने अपना फोन है, हाथ में टोटन टोटम पकड़ रखा है क्योंकि अभी अपना पीवीपी मैच है। एंड ये देखो ये माउस से पूरा एक्सेस है मेरे पास, ये WSD की, जिससे हम आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है तो अब शुरू करते हैं मैच, एंड इसको लिख देता हूँ मैं रेडी। तो हाँ अब देखो मैच, अब देखो वो मेरे सामने है A1 स्टार, एंड भाई बिल्कुल भी मतलब है ना नो प्लेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर है ये, बहुत पुराना प्लेयर भी है। एंड आप मतलब आप इसको खेलते हुए देख जाओ, आप समझ जाओगे भाई, मतलब देख के ही पता चल जाएगा कि बंदा प्रो है थोड़ा सा। तो अभी देखो फिलहाल तो गोल्डन एप्पल ठूस रहा है पहले ही, क्योंकि और मैं खाना भूल गया एक्चुअल में गोल्डन एप्पल, क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि वीडियो बनानी है, अपने मन में ये सब नहीं रहता कि भाई PvP जीतना है, अपने को ये है कि बस वीडियो बन जाए एक बार। देखो इसमें मैं जीतूँ या हारूँ वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि भाई कितना हमको क्या बोलते प्रॉफिट होता है कीबोर्ड एंड माउस से। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ मैंने बोला कंफर्ट की, तो इसमें भी 3 घंटे बाद थक जाता है, मोबाइल से तो लेट थकते खेल सकते हैं, 3 घंटे तक खींच के खेल सकते, खींच के नहीं मतलब आराम से खेल सकते हैं। तो हाँ अभी एक आदत पड़ने की भी ज़रूरत है। और बाकी देखो अभी इसको मस्त पेल रहा हूँ, और अभी मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता, आप फाइट इंजॉय करो क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। बाद में भी हमने और बहुत सारे मैचेस खेले नेदरराइट आर्मर्स एंड और भी आर्मर से। एंड यस आज की वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, अगर थोड़ा भी मज़ा आया तो भाई लाइक करते जाना। एंड हाँ अब मैं शायद से कीबोर्ड एंड माउस से खेलूँगा, एंड ये बाजू में मेरे हरकतें कर रहा है, खुद को इसका एरो लग रहा होगा, नहीं नहीं ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है एरो से, बट इसको खुद को लग रहा है। तो आज की वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक रेल को इसको एक हिट मार के जाता हूँ मैं, ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था तब से। अजा 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 ते कॉबे में फंसना बहुत अनोइंग है भाई, कॉबे मार।